वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में जो भी आदेश आते हैं वो राजकाज से जनरेट होकर के आते हैं और प्रत्येक आदेश पे राजकाज के रेफरेंस नंबर लिखे होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो आदेश आया है वो ऑथेंटिक है या नहीं। अब इसके बाद में एक दो कमेंट आए थे कुछ साथियों के कि अगर मान लो राजकाज रेफरेंस नंबर है और आप उस आदेश को डाउनलोड करना चाहें तो वो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई आदेश है तो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी कॉपी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक उदाहरण आपको बता दूं, जैसे मैंने आज ही एक वीडियो में बताया था कि जो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, अब इसमें यहाँ आप देखेंगे तो राजकाज रेफरेंस नंबर है 8098070, ये रेफरेंस नंबर है और यहाँ भी रेफरेंस नंबर दिए हुए हैं। यहाँ भी जो नीचे साइन है, यहाँ डिजिटल साइन है डॉक्टर जो भी डायरेक्टर महोदय के साइन है और यहाँ राजकाज के रेफरेंस नंबर है। अब इसी रेफरेंस नंबर को आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये आदेश सही है या नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने एसएसओ आईडी में जाना है और एसएसओ आईडी में जाने के बाद में आपके आईडी पासवर्ड है, उसके बाद में आपको यहाँ से कैप्चा एंटर करना है और यहाँ कैप्चा एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे मैं कैप्चा एंटर कर रहा हूँ और लॉगिन हो जाना है। जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे ये ऑलरेडी लॉगिन होता रहा तो यहाँ से एक बार दोबारा लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में यहाँ आपके जो आइकन आएंगे उसमें राजकाज ई फाइल या ई डाक वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे आपने पहले खुला हुआ है तो आपके यहाँ राजकाज ई फाइल या डाक वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, नहीं है तो आप इससे अदर एक्टिव एप्स की पूरी लिस्ट है इस लिस्ट में आप सर्च करेंगे G2G में, तो यहाँ आपके सामने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ राजकाज EPR है, राजकाज HRMS है, राजकाज IPR है और राजकाज ई फाइल डाक। तो राजकाज ई फाइल डाक इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो राजकाज ई फाइल का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब आपको रेफरेंस नंबर है वो इंटर करना है, यहाँ से आपकी डिटेल्स वगैरह ये आ जाएगी, यहाँ से अपनी आपकी SSO ID है, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आकर के यूटिलिटी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यूटिलिटी में आपको यहाँ से जैसे यूटिलिटी है और इसमें जाकर के वेरीफाई राजकाज रेफरेंस नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है वेरीफाई राजकाज रेफरेंस नंबर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सीधे ही आपके इंटर राजकाज रेफरेंस नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब ये रेफरेंस नंबर मैं यहाँ से जैसे 8098070 तो यहाँ से आप नंबर इसको नोट कर लें 8098070। अब यहाँ से सीधे ही जैसे व्यू अटैचमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे क्लिक करके मैं उतर रहा हूँ, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आदेश भी नीचे शो हो गया और यहाँ आ गया कि डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर 8908070 डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट अटैच टू फाइल नंबर सिविला माध्यमिक और आगे भी और भी जो इसके रेफरेंस नंबर को दिया है और इसे दिस इज साइन बाई मिस्टर आशीष मोदी ऑन 17 जून 2024 यानी ये कल का आदेश है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे नीचे यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ से जैसे ये डिजिटली साइन किए हुए हैं, यहाँ ये जो पूरा अगर आदेश आप डाउनलोड करके यहाँ से देखेंगे तो यहाँ नीचे राजकाज नंबर आ रहे हैं और यहाँ से इसको वेरीफाई भी किया हुआ है। अब थोड़ा सा ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसको यहाँ से यहाँ बता दूँ, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये 8098070 और ये डिजिटल सर्टिफिकेट बाई ये डॉक्टर मोदी का नाम आ गया और यहाँ से तारीख आ गई कि 17/6/2024 8:06 पर ये आदेश जारी किया गया 17/6/2024 को। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी यहाँ दिखा हुआ है कि 17 जून 2024 को ये आदेश जारी हुआ है और ये पूरा का पूरा आदेश यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये यथा जैसे यहाँ लिखा हुआ है यथा ई हस्ताक्षर, तो सेम जो आदेश यहाँ आप देखेंगे ये पूरी PDF मैंने पहले डाउनलोड की हो तो ये यथा ई हस्ताक्षर वाला और ये पूरा आदेश है, यहाँ भी आपकी ये पूरा आदेश है। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप किसी भी फाइल को आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते थे, अब डाउनलोड का भी ऑप्शन शुरू हो गया तो आप वेरीफाई राजकाज नंबर से जाकर के यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस तरीके से आपकी पूरी फाइल खुल जाएगी। इसको आप डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ये फाइल है, ये डाउनलोड का ऑप्शन मांग रही है और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद इसको अगर आप ओपन करना चाहें यहाँ से तो जैसे ये न्यू गाइडलाइन है और यहाँ से जैसे ये ओपन हो गई ये फाइल, यानी मैंने अभी डाउनलोड करके ओपन की है और इसमें बकायदा वो कि वो फाइल है, यहाँ भी राजकाज का रेफरेंस नंबर है और डिजिटली साइन बाई और 17/6/2024 का है, ये जो मेन फाइल मैंने आपको बताई थी और यहाँ से यहाँ आपके ये सामने ये फाइल ये शो हो रही है। तो ये डाउनलोड प्रिंट जो भी ऑप्शन आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप राजकाज पे
कोई भी फाइल है वो किस तरीके से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि वो फाइल, पहली बात तो फाइल ऑथेंटिक है या नहीं है, तो वेरीफाई नंबर हो जाएंगे, राजकाज नंबर। उसके बाद में उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात कि आपको रेफरेंस नंबर अगर पता है तो किसी भी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आप लोगों को भी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।